सो गाइस, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर से सो गया था, क्योंकि दवाई ली थी ना सुबह उठ के, और फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया था फिर से। सो अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, और पानी है ऊपर, अभी देखो पानी इधर आओ रिक्स, देखो भाई रिक्स, अब देखना मानी उससे दिक्कत होती है, ऊपर से देख पा ना मानी को क्या जी मानी चलो गाइस जीक से मिलने चलते हैं, परेशान रहेगा वरना पूरी देर। जीक नमस्ते, जीक्स के साथ खेल लिया जितना खेलना था, अब देख जीक्स बाय बाय। मैं वीक से मिल कर आ चुका हूँ, कल का जो व्लॉग था वो तो कम बना था, तो इसलिए तो मैंने डाला नहीं, बट कल मैंने फ़ैन खोला था ना ये पूरा, देखो ये खोला था मैंने पूरा फ़ैन, इसकी ऊपर पंखड़ी अलग करी थी, मोटर अलग करा था, पिछली वाली जाली अलग, पूरा फ़ैन मतलब खोल के साफ मम्मी ने करा है, खोला मैंने था, अब इसे वापस जोड़ देते हैं, फिर नाश्ता बनने वाला है, क्योंकि मम्मी नहा आई अभी अभी, मम्मी इतने नाश्ता बना देगी, इतने फ़ैन जोड़ देता हूँ फिर नाश्ता करेगी। पंखा छोड़ दिया मैंने और नाश्ता रेडी, नाश्ता करते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रखा है 1 बज रहा है, और मैं बहुत देर से, काफ़ी देर से कंप्यूटर पे टाइपिंग और वो कर रहा था, क्या नाम है, फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था मोबाइल से अपने। अभी मैं स्केच बनाने के लिए बैठा हूँ, खाना डल जाएगा थोड़ी बहुत देर में, खाना खाएंगे फिर स्केच बना रहा हूँ मैं अभी। सो गाइस अभी टाइम हो रखा है 1:40, मेरे को आधे घंटे से ऊपर हो गए स्केच पर काम करते हुए, और अभी खाने का टाइम हो गया, मतलब मम्मी आवाज लगा रही है खाने के लिए, चलो चलते फिर खाना खाते, फिर मिलते आपसे, और स्केच दिखा देते हो चुका आप तक, बस रह रहा है इसमें थोड़ा फिनिशिंग वर्क कर रहा, फेस पे डिटेलिंग रह रही है, और हेयर्स रह रहे अभी, और बाकी नेकलेस डिटेलिंग रह रही है, चलो चलते खाना खाते फिर कंप्लीट करेंगे। सो गाइस अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और मूवी देखी थी अभी पापा मम्मी, मतलब उनके बैठ कर मूवी देख रहे थे अभी, और सब ने अपनी चाय बना लिया, कोल्ड ड्रिंक लेके चले गए पापा सब के लिए, तो जब कोल्ड ड्रिंक ऐसे नमकीन के साथ क्या खाऊँ, ब्रेड रखे हैं, सैंडविच या कुछ बना लेता हूँ ब्रेड गर्म करके, तो चलो या मैगी बना लें, कुछ मैगी के साथ खा लें, अब जो कुछ अपने लिए बना लेता हूँ फिर कंटिन्यू। सो गाइस अभी मैंने अपना बना लिया है जो भी था, ब्रेड सैंडविच मैगी वाले, सो अभी दिख तरीके से लग रहे हैं, और ये वाला ब्रेड मेरा टूट के बीच में, बट कोई नहीं दिख रहे हैं, बाकी चलो बनाएंगे मुझे पता, आई एम हैवी चलो दिस थिंग अभी चलते हैं खाते हैं, थोड़ा सामान सा संगवा दूँ फिर चलूँगा खाने के लिए, फिर क्योंकि मम्मी डांटती है ना फिर, तो एक काम करता है कि चल मैं 10 काम फैला देता है, तो उससे सामान तंगा तो फिर चलो। सो गाइस अभी मैं अपना खाकर आ चुका हूँ ब्रेड सैंडविच, मैं सोच बता रहा हूँ ट्राई करना ही थे, 2 सैंडविचेज में पेट भर गया, मतलब ब्रेकफास्ट और इवनिंग ब्रेकफास्ट के उस पर तो बहुत अच्छा है, मतलब खाने लायक चीज़ है, थोड़ा अपना आर्ट वर्क कम्प्लीट कर लूँ फिर मिलता है आपसे, और शाम के वक्त ही मिलेंगे अब तक, क्योंकि मैं वर्कआउट कर नहीं रहा हूँ इसे,
और कुछ अगर मैं ऐसा इंटरेस्टिंग सा करने को है नहीं कि वो भी चैलेंज भी पता नहीं कितनी ही कुसामंद करी मैंने मम्मी और दीदी की, जब जाके वो वाला चैलेंज हुआ था जो शायद आज ही मैं एक और नया आर्टवर्क स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से मुझसे कह रही है कि एक राजस्थानी लेडी की पेंटिंग बना दे। सो आज शायद कैनवस वर्क होगा, मतलब पेंट वर्क होगा मेरे हिसाब से आज शाम को स्टार्ट, बाकी देखता है जो भी होगा बता दूंगा मैं आपको। वर्कआउट का पता नहीं कभी स्टार्ट होगा दोबारा, अब तो ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई भी मसल्स जितनी भी थी थोड़ी बहुत जो भी थी तो बैठे बैठे ऐसे नोटिस करता हूँ ना, तो टाइट करता हूँ कि हाँ स्क्वीज कर रहा हूँ तो दिख रही है मसल्स, नहीं दिख रही। तो जब से वर्कआउट बंद करा है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब से वर्कआउट बंद करा है मसल्स में कट्स कम हो गए हैं, स्क्वीज होनी कम हो गई है, ढीली हो गई है। बस बात तो ये है कि होती तो है थोड़ी बहुत, बट वहम ज़्यादा होता है हमें, वो इसी वजह से होता है क्योंकि डेली जो वर्कआउट करते हैं ना बंदे और वो एकदम से छोड़ देता है तो उन्हें थोड़ा लगता ही है एक तरीके से। बाकी तो अभी देखते हैं, कुछ दिन और है, 10-11 दिन की बात हो रहा है, फिर स्टार्ट करेंगे अपना रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट, और एक बार बस ये पैंडमिक सिचुएशन ख़त्म हो जाए ना दोबारा खेलना शुरू करेंगे यार। मैं तो रैकेट भी वहीं रखा, रैकेट एकेडमी में रखा है, स्कूल्स एकेडमी में रखे हैं, और काफ़ी सारा सामान एकेडमी में रखा है, जा इसलिए नहीं पा रहा हूँ, लॉकडाउन लग रहा है। बीच में सोचा था कि एक दिन जाके एकेडमी से खेलने नहीं जाऊँगा, बट अपना रैकेट शूज और शटल ले आऊँगा एकेडमी से, काफ़ी सारी उठा गए, मतलब एक बॉक्स उठा कर ले आऊँगा, बॉल प्रैक्टिस कर लिया घर भी कर लेंगे अपना थोड़ी बहुत बॉल प्रैक्टिस। बस बताओ इतने दिन हो गए जब से लॉकडाउन लगा, जा ही नहीं पाया। So guys, right now I'm going to take bath and it's 6:40 PM. और दीदी दूसरे वाले रूम में दीदी बना रही है अपनी रील्स इंस्टा के लिए, दिखाता हूँ। तो जाना तो नहीं चल। यार सारी वीडियो ख़राब कर रहा है क्योंकि पीछे से। ये देखो guys, BTS, BTS of Instagram reels. एक सेज़न, दो सेज़न, तीन सेज़न। कर ले कर। चलो गाइस मैं नहा जाता हूँ। सो गाइस अभी मैं नहाने जा रहा था ना, मम्मी ने मेरे को एक पंखा और दे दिया, क्या इस पंखे को और खोल दे, और वो क्यों दिया मुझे पता है, क्योंकि जो पंखा मैंने कल खोला था आज मैंने वो मम्मी ने धो दिया था, तो मैंने जोड़ जाड़ के उसे चला दिया, वो सही चल गया, इसलिए मुझे दूसरा पंखा दिया गया। देख रहे हो मेरे से काम करवाने का लेवल कितना ऊपर है। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको काम को, मानी देख के बैठे मानी। आज तो गाइस मैंने मानी बात, मम्मी ने मानी को भी कह दिया बंद, ये इसके चक्कर में है ना, वीक के चक्कर में खुली रहती थी। देखो ये खोल जा, नहीं ये देखो उससे भी ज़्यादा गंदा हो रहा है। छी छी, इसकी पंखड़ी तो निकल ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा जंग लग रहा था इस वाले पर। मोटर भी देख लो, ये वाला पंखा भी खोल दिया मैंने। बस अभी नहाने जा रहा हूँ मैं, वरना मेरे को कुछ और काम बता देगी इतने में। चलो चलते हैं फिर, ना के मिलता हूँ आपसे। सो गाइस अभी मैं अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करा करके आ चुका हूँ, क्योंकि आज दीदी ने भी अपनी वीडियो शूट करी थी, तो सारा सेटअप वहीं रखा था लगा हुआ, कुछ थोड़ा बहुत मैंने अपना अलग से लगाया था जो बैकग्राउंड के लिए होता है ना शीट, और बाकी शूट हो चुका, वैसे आधा घंटा लगा मेरे को, पर दीदी ने भी मदद नहीं करी, आज मुझे खुद करना पड़ा अपना शूट, इसलिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए फोटो, बट देखते हैं चलो फिर भी निकाल लूँगा, एडिट करके कर दूँगा अच्छी फोटो। और अभी खाना रेडी होने वाला है, टाइम हो रखा है 9:15 बजे रात का, खाना खाते ही मैं एडिट करूँगा कल वाले ब्लॉग को और अपलोडिंग पे लगा दूँगा, बस फिर मिलते हैं आपसे। चल खाना खाते टाइम, ये खाना खाने के बाद चलो मिलते हैं। सो गाइस अभी हम अपना मैं अपना डिनर करके आ चुका हूँ, और मम्मी दीदी पापा सब ने डिनर कर लिया, पापा सो चुके हैं और मम्मी और दीदी अपना सीरियल देख रही है मॉल की, और मेरे को आ रही है नींद, मैं करता हूँ ब्लॉग की एडिटिंग कल वाले की, अपलोड करता हूँ उसे और बस सो जाता हूँ, सुबह उठेंगे अपना कल स्टार्ट करेंगे नया व्लॉग। सो गाइस अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, इसी के साथ एंड करते हैं इस व्लॉग को भी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।